नमस्कार दोस्तों, सस्ती क्लासेस बना वाले में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, नरेशन। जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा होगा, नरेशन होता क्या है? तो नरेशन है वो एक नरेट वर्ड है, इससे निकला है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन किसका करना, किसी बात का, और किसी के द्वारा कही गई बात उसको हम स्पीच बोलते हैं। यानी स्पीच क्या होती है, किसी के द्वारा कही गई बात उसको क्या बोला जाता है, स्पीच। और किसी भी बात को कहने के दो ढंग हो सकते हैं, या स्पीच को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट और एक हो सकता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और एक हो सकता है आपका डायरेक्ट स्पीच। कौन सी जब सब्जेक्ट अपनी बात को खुद बोले, जब करता या जो बोलने वाला है वो अपनी बात को खुद ही बोल दे, अपने शब्दों में बोले, वो अपनी डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जिसके अंदर कर्ता की बात को कोई थर्ड पर्सन बोले, यानी कर्ता खुद बात में बोले, उसकी बात को कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, तो वो क्या होगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। पेपर के अंदर आता क्या है, पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच मिलेगी और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना होगा। तो पहले आपने ये तो समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, जिसके अंदर जो बोलने वाला है उनके शब्दों को वैसे के वैसे ही बोल दिया जाता है, वो होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, यानी यहां से दोबारा देख लेते हैं। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहने का ढंग। कौन से वर्ड से निकला है, नरेट, नेट का मतलब होता है वर्णन करना या कहना। उसके बाद हमने पढ़ा है स्पीच, स्पीच किसी के द्वारा बोली गई बात, और बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, तो डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जब किसी बात को उसी के शब्दों में बोल दिया जाए तो वो होगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी कर्ता ने कोई बात बोली है उसको अपने शब्दों के अंदर बोल देना, या उसको कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये आपके सामने मैं बता देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। जैसे ये है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी I am reading. अब इसके अंदर आप देखेंगे जो ये पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। एक चीज तो ये क्लियर कर कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये वैसे भी पता चल रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीच का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात, और किसी के द्वारा कही गई बात को हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। अब करना क्या होता है, पेपर के अंदर क्या करना होता है, पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच दे देगा और आपको उसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना होता है। तो चेंज करते कैसे, पहला काम तो ये है, यहाँ समझ ले ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब रखा है। इसके अंदर ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको क्या मिले, कुछ एक प्रोनाउंस मिले। तो पहला जो काम हम सीखते हैं वो तो ये है कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जब सेड टू दे रखा है, सेड टू दे रखा है, तो अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का मतलब यहाँ फुल स्टॉप मिल जाए, तो टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। दूसरा अगर सेज टू दे रखा है तो हम उसको चेंज करेंगे टेल्स के अंदर। तीसरा अगर से दे रखा है तो हम उसको चेंज करेंगे टेल के अंदर। कहने का मतलब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस है तो एसईएस, और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरा काम, पहला काम तो ये हो गया कि हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर सेड टू दे रखा है तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, सेज टू दे रखा है तो टेल्स में चेंज करेंगे, और से टू दे रखा है तो टेल में चेंज करेंगे। टू दे रखा है यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि जो आप रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच इनको जोड़ने के लिए
अगर सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तीसरा क्या होगा, यहाँ जो आपके प्रोनाउंस दे रखे हैं वो हमेशा चेंज होंगे। यानी दो तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो ये बता दिया सेड टू है, सेज टू है या से टू, इसको चेंज करेंगे। दूसरा क्या है, प्रोनाउंस हमेशा चेंज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस हमेशा क्या होंगे, चेंज होंगे। अब चेंज होंगे कैसे, ये एक रूल आपने पढ़ा होगा सन बाय वन टू थ्री। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, आई, माई, माइन एंड मी। उसके बाद वी, आवर, आवर एंड अस। यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात को बोल रहा है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ फर्स्ट। ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, एस का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सब्जेक्ट आपका ये वाला। उसके बाद सेकंड पर्सन, यहाँ जैसे मैंने लिखा है, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, सेकंड के अंदर यू है आपका, यू, उसके बाद यू आ जाएगा, उसके बाद यूर, और लास्ट भी आपका देगा यू। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये चेंज होंगे, देखो यहाँ पे रखा टू, टू का मतलब सेकंड पर्सन, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट आपका होगा ये। तीसरा दे रखा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने वैसे पढ़ रखा है ही, सी, इट, एन का मतलब नो चेंज। दोबारा से इसको एक बार और बता देता हूँ कि प्रोनाउन हमेशा चेंज होंगे। सन बाय 123 का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब यहाँ का मतलब। उसके बाद अगर सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन थर्ड पर्सन तो आपका प्रोनाउन नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। एक तो ये चीज थी, यानी हमेशा क्या करेंगे, रिपोर्टिव स्पीच के प्रोनाउन हमेशा चेंज करेंगे। अब एक जो वाक्य मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसको हम बनाकर देखते हैं, फिर कुछ ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला दे रखा है ही सेड टू मी आई एम रीडिंग। अब यहाँ से हमने अभी किया है कि जब सेड के बाद टू आ जाए तो हम क्या कर देंगे, इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी। उसके बाद अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ दैट का यूज करेंगे, दैट दोनों को जोड़ने के लिए, और जोड़ने के बाद जो आपके कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा वो हट जाएंगे, दैट। अब यहाँ देखिए आई, आई आपका है फर्स्ट पर्सन, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। यहाँ थोड़ा सा दोबारा से ध्यान कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपके क्या है। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये सन बाय 123। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सब्जेक्ट आपका ये है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था। लेकिन दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि अगर आप सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव ही चेंज करें। कहने का मतलब कि अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करें तो सब्जेक्ट ही लेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करें तो ऑब्जेक्ट ही लेंगे, पोजेसिव को चेंज कर रहे हैं तो पोजेसिव ही लेंगे। जैसे आई, आई यहाँ से आपको पता चल रहा है नॉमिनेटिव केस में, यानी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, और ही का सब्जेक्ट ही लेंगे। अब यहाँ ही का सब्जेक्ट ही है, ही का सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ आ जाएगा ही। उसके बाद अगर यहाँ पास्ट दे रखा है तो यहाँ भी पास्ट आएगा, इसे मार का पास्ट होता है वाज एंड वर, आई ही वाज रीडिंग, ये आएगा। दूसरा एक सेंटेंस ये है, और यहाँ भी लास्ट में ये देखना, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कोमा वगैरह हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दैट का यूज कर दिया। दूसरा है ही सेड टू मी आई am doing my work, ये बात I am doing my work। अब यहाँ थोड़ा सा फिर देखो, said to दे रखा है, किसने चेंज करेंगे, he told me, उसके बाद अगर यहाँ कुछ तो होगा तो क्या आ जाएगा, that आ जाएगा। अब यहाँ से देखो I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और he का सब्जेक्ट ही होगा।
दूसरा हमने पढ़ा था कि यहाँ अगर पास्ट है, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसे मार की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वॉज एंड वर्क, तो ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज डूइंग। अब यहाँ से देखो माई कौन सा पर्सन, माई यहाँ अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि माई पॉजेसिव केस में है, तो ही का आने क्या चाहिए, पॉजेसिव केस चाहिए, जो कि क्या है, ही। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, he told me that he was doing his work। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ सब्जेक्ट को चेंज करें तो सब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करें तो ऑब्जेक्ट लेंगे, और पॉजेसिव को चेंज कर रहे हैं तो पॉजेसिव ही लेंगे। नेक्स्ट है, he said to me, you are a अब यहाँ देखो पहला तो वही काम है, he क्या आ जाएगा, told me, उसके बाद that आ जाएगा, you कौन सा person, second person, और हमने बताया कि second person according to object, अब object क्या है, object दे रखा है, लेकिन यहाँ you as a subject use हुआ है, तो me का हमें क्या चाहिए, subject चाहिए, यहाँ me है और me का subject क्या है, I है, तो यहाँ आ जाएगा I, इसे मार जैसे हमने पढ़ा है वो वर्ब के अंदर जाएंगे तो आई के साथ वो जाएगा, आई वॉज ए गुड। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, ही इज ए गुड, ही इज ए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ही टोल्ड मी, यहाँ जाएगा दैट, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और हमने ये पढ़ रखा है कि थर्ड पर्सन उनका मतलब नो चेंज, ही का क्या आएगा, ही वॉज आ जाएगा यहाँ, ही वॉज ए गुड। अब जैसे कि ये कुछ एक वाक्य मैंने लिखी है, इसके अंदर देखेंगे ही सेड टू मी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि said to को told में चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, he told me। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि reporting verb और reporting speech को जोड़ने के लिए conjunction that का यूज करेंगे। आगे यहाँ I आपका फर्स्ट पर्सन है, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, he के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि I सब्जेक्ट है, तो he का सब्जेक्ट ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेड पास्ट है, तो इसे मार का पास्ट होता है वॉज एंड वर्क, ही वॉज, आगे आ जाएगा सफरिंग फ्रॉम, नेक्स्ट है राधा सेड यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, दूसरा ये है, तो राधा सेड का सेड रह जाएगा, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड रख देंगे, राधा सेड का सेड आएगा, आगे दैट। अब यहाँ हम देख रहे हैं यू दे रखा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं या हिम मान सकते हैं। मान लो हमने यहाँ मी मान लिया, मी मान लिया, तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई आ जाएगा, आई हैज एम का पास्ट, क्योंकि सेड है तो हैज एम का पास्ट हो जाएगा हैड, आई हैड नॉट, उसके बाद आएगा डन। अब यहाँ यूअर, यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब मी, मी का क्या चाहिए, यहाँ यूअर पॉजिटिव है, तो मी का पॉजिटिव होता है माय, माय होमवर्क। उसके बाद ही सेड टू मी आई कैन सॉल्व दिस, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी, आ जाएगा यहाँ ही टोल्ड मी, उसके बाद आएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही आ जाएगा, कैन का पास्ट, कैन का पास्ट होता है कुड, ही कुड आ जाएगा, सॉल्व आ जाएगा आगे, और दिस को दैट के अंदर, यानी जो नजदीक वाली चीजें हैं उनको दूर वाले में चेंज कर देते हैं, तो दिस का दैट हो जाएगा दैट। उसके बाद है मोहन सेड टू मी आई राइट विद लेफ्ट हैंड, ये बन जाएगा मोहन
टोल्ड में आ जाएगा आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू मोहन. अब मोहन की जगह या तो मोहन रख दे या क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है तो हे का यूज कर सकते हैं, ही आ जाएगा. और राइट फर्स्ट फॉर्म है और इसका पास्ट रोट हो जाएगा यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही रोट विद, ये बन जाएगा लेफ्ट और नेक्स्ट के अंदर है सी सेड टू मी आई हैव सीन द जू ट्वाइस, ये बन जाएगा इसका सी टोल्ड मी आ जाएगा. आगे दैट आएगा और यहाँ आई आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी है तो सी का सी आ जाएगा सी. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको हैव दे रखा है और हैव दे का पास्ट हैड हो जाएगा सी हैड सी द जू ट्वाइस. तो ये कुछ एक सेंटेंसेस थे. इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे. अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि इज ए मार है तो उसका वॉज वर्ब कब करेंगे, हैज ए है तो उसका हैड कब करेंगे या कब नहीं करेंगे. तब तक आप वेट करें, जैसे ही टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे. तब तक जय हिंद जय भारत.